नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2025 आने से पहले इस काम को पूरा कर लेना होगा। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग को एक नया टारगेट दे दिया है। ये कह दिया है 2025 से पहले जो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक पानी पहुँचाया जाना था, वो कार्य 2025 से पहले कर लेना है किसी भी हाल में। तस्वीर देखिए, तस्वीर जो निकल के आ रही हैं वह नीतीश कुमार के आवास की है, जहां पर बैठक हुई थी। बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, सचिव हैं, वो सभी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना की समीक्षा की है और कार्य में तेज़ी लाने के निर्देश भी दिए। ये कहा है कि हर हाल में 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना को पूर्ण किया जाए, यानी कि हर खेत तक जो सिंचाई का पानी पहुंचना था वो पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद भी उन्होंने कहा है कि राज्य के अंदर नदियों को जोड़ने की योजना पर भी तेजी से काम किया जाए ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहे। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही हैं। आपको बता दें, कई सारी ऐसी सिंचाई योजनाएँ हैं जो फिलहाल काम अटका हुआ है, कार्य तेजी से नहीं चल रहा था, उसकी भी नीतीश कुमार ने समीक्षा की है। और बिहार में जो सूखे का संकट गहराता जा रहा है, सावन का महीना आ चुका है, सावन महीने को आए हुए एक सप्ताह बीत भी चुके हैं, ऐसे में कितनी बरसात हो रही है आप खूब देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी हर तरफ सरकार की नज़र है। नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को ये तक कह दिया है कि अब जो जितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं, राज्य की 16 सिंचाई परियोजनाओं में 9 पूरी तरह सूख गए हैं, 3 में महज 35% पानी रह गया है, अन्य परियोजनाओं में भी पूरा पानी नहीं है। हालांकि बुधवार से बारिश शुरू हुई है, लेकिन इसका प्रभाव कितना रहता है आने वाले दिनों में वो देखना होगा। अब देखना यह है कि ज़्यादातर बारिश होने के बाद भी क्या स्थिति समानांतर रहती है नहीं, क्योंकि बारिश तो हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, लेकिन जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हो रही है और सूखे का संकट जो है वो गहराता जा रहा है बिहार में। ऐसे में किसानों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। डीजल अनुदान के लिए पहले ही सरकार की ओर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, क्योंकि किसानों की हालत और दयनीय ना हो जाए, किसानों पर काफ़ी बोझ ना पड़े, इस कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही तमाम जितने दिशा निर्देश हैं वो दे दिए हैं। लेकिन हर खेत तक सिंचाई का पानी जो है वो पहुंच जाना चाहिए 2025 तक। ये बड़ी बात कह दी है नीतीश कुमार ने। जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल से तमाम जितने वरीय मंत्री हैं वो मौजूद थे और हर बात की समीक्षा की गई है। देखिए, बिजली के क्षेत्र में भी जितनी बिजली सप्लाई हो रही है, रुक रुक कर कहीं बिजली सप्लाई ना हो, बिजली सप्लाई में कोई बाधा ना आए, इसकी भी समीक्षा की गई नीतीश कुमार द्वारा और तमाम जितने दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। सिंचाई परियोजना जो अटके हुए हैं उन कामों में तेज़ी लाई जाए। कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, कई सारे ऐसे सिंचाई के लिए जो परियोजनाएं पहले से चलाई जा रही थी वो सूख गए हैं। और इस साल बिहार में जब सूखे का संकट गहराता जा रहा है तो हर ओर सरकार की नज़र है, लेकिन किसानों को तकलीफ ना हो इसलिए तमाम जितनी योजनाएं हैं उसकी समीक्षा नीतीश कुमार ने की है, दिशा निर्देश दिए हैं और काम समय से पूरा होना चाहिए, ये कड़े शब्दों में कह भी दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।